हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एग्ज़ाम अकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेट या डिपार्टमेंट से किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो टीचिंग पोजीशन हो या नॉन टीचिंग पोजीशन हो, अगर यहां से रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पोजीशन पर आए हुए एक रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये जो रिक्रूटमेंट है राजस्थान से रिलीज़ किया गया है, राजस्थान के एक सैनिक स्कूल जो कि झुंझुनाऊ राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ से नॉन टीचिंग पोजीशन पर और टीचिंग पोजीशन दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हम वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे कि यहाँ जो रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं, कौन कौन से कैटेगरीज़ में निकल कर आए हुए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस और साथ ही साथ लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो जो लोग चैनल पर अभी नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुँचता रहे। यहाँ आप देख सकते हैं इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन सिटीज़न है वही अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के बाहर के कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ जो टीचिंग पोजीशन पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं उसमें पीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है, आप देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश, और जो इंग्लिश का पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। यहाँ जितने भी पोस्ट निकल कर आए हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, लेकिन सैलरी यहाँ आप देख सकते हैं 71,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है अगर आप यहाँ पर अपॉइंट कर लिए जाते हैं। क्वालिफिकेशन भी कोई बहुत ज़्यादा हाइएस्ट नहीं यहाँ रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बीएड और एमएड आप लोगों के पास है तो आप इस 71,000 रुपये पर मंथ के सैलरी वाले पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पीजीटी फिजिक्स से जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर जो लोग पीजीटी केमिस्ट्री से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। पीजीटी बायो लॉजी में यहाँ पर एक पोस्ट है, और यहाँ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें आप लोगों का 5 इयर्स का टीचिंग एंड रेसिडेंशियल यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। साथ ही साथ आप लोगों के पास कम से कम 5 साल का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस हो इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो भी यहाँ मांगा गया है, और कंप्यूटर नॉलेज भी आप लोगों के पास हो इन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पीजीटी मैथमेटिक्स में तकरीबन 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा है। कंप्यूटर साइंस के लिए जो फॉर्म मांगे गए हैं उसमें आप लोगों का बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने किया हुआ है बैचलर्स तो भी आप एलिजिबल हैं, और या फिर आप लोगों के पास यहाँ पर एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने मास्टर्स किया हुआ हो तो भी आप एलिजिबल हैं, और उसी के साथ आपके पास बीएड हो 5 इयर्स का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस हो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। 71,400 रुपये पर मंथ की सैलरी और 21 साल से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर के लिए भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, जिसमें आप लोगों का जो क्वालिफ़िकेशन है वो MBBS डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। आप किसी भी कॉलेज या भी इंस्टीट्यूशन से आप लोगों ने किया हुआ हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए 79,650 रुपये पर मंथ की सैलरी है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। उसी के साथ साथ नर्सिंग सिस्टर्स के लिए यहाँ पर पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 1 पोस्ट है। यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं उसमें नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है, साथ ही साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ 38,250 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट्स जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में है उसमें 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, क्वालिफ़िकेशन आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट पास हो आप और साइंस स्ट्रीम से आप लोगों ने पास आउट किया हुआ हो, विथ आप लोगों का जो फिजिक्स है उसमें आप लोगों ने वो सब्जेक्ट आप लोगों का उसमें हो तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट्स केमिस्ट्री में भी 1 पोस्ट है और सेम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी रखा गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए 38,250 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर रखी गई है। वहीं लाइब्रेरी अटेंडेंस बायोलॉजी में भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख लें, क्वालिफ़िकेशन काफ़ी कम रखा गया है।
लेबोरेटरी अटेंडेंस में। वहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2024 का डेट रखा गया है। 14 जून से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तकरीबन 250 रुपये एससी एसटी कैटेगरीज को पे करना होगा। वहीं जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर पे करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.ssjhunjhunau.com पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है, इसी वेबसाइट पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए, साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।